आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद हबीब के मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया। पहले मैंने सोचा कि नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा चलो यार कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके मामले में तूल पकड़ लिया, मैं कुछ आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूंगा कि अब मैं जो भी लेक्चर करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन से पेपर के लिए, यूपीएससी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर टू, ये वाला इंसिडेंट नहीं है, लेकिन आप इसको कोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन 355 पढ़ेंगे, डिजीज एंड एपिडेमोलॉजी एक्ट का, तो हम बात करेंगे। तो जावेद हबीब ने माफी मांग ली है एनसीडब्ल्यू से, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से। कल दोपहर 12:30 बजे इनको अपियर होना था। 11 जनवरी को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने बोला था कि भाई आ जाओ। तो जावेद हबीब ने ऐसा क्या कर दिया जो इनको माफी मांगनी पड़ी, पूरे देश में इतना बवाल क्यों हो गया, बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे शानदार कोर्स हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। CID10 आपको कूपन कोड यूज करना है, इन नंबर्स पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। देखिए, अगर कुछ जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग कोर्स लिया उनका एक्सपायर हो गया है और अगर दोबारा वो लेना चाहते हैं तो हम उनको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे को आज फोन आया था सर बैंकिंग कोर्स हमारा एक्सपायर हो गया है तो सर उसको रिन्यू कराना है तो क्या करें। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें आप परेशान मत होइएगा, बस आप इस नंबर पर कॉल करिए, ठीक है, हमारे मार्केटिंग हेड आपसे डील कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको बता देंगे कि आपको आगे क्या करना है। डिस्काउंट प्राइस पर हम देंगे, परेशान नहीं, वैसे भी बहुत कम ही हम दे रहे हैं, 1000-1200 बस इतना ही है। और यूपीएससी के 1-2-3 साल के तो हमने शानदार कोर्स बनाया है, मेरी पर्सनल गाइडेंस है तो आप वो भी लीजिएगा। परसों एक लड़के ने कॉल किया था, मैं बार बार ये बोलूंगा, उसने बोला था कि भैया सर आप तो सर्विस कर रहे हो, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। तो भाई ये FIR हुई थी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पे, मंसूरपुर पुलिस स्टेशन जो कि मुजफ्फरनगर में आता है। मुजफ्फरनगर एक समय क्राइम कैपिटल हुआ करता था, आपको याद है ना? नहीं, आपको कैसे याद होगा, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, 1990s की बात है। नवनीत सिंह सिकेरा, एक टीवी सीरीज है भौकाल, उसका season 2 आने वाला है, तो आप ये देखिएगा नवनीत सिंह सिकेरा की कहानी है। हैट्स ऑफ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इतने ईमानदार ऑफिसर, जहां से जाते थे, जहां से उनकी बाइक निकलती थी ना क्रिमिनल घर के अंदर, तो मुजफ्फरनगर में क्राइम खत्म करने का श्रेय जो है वो इनको जाता है, नवनीत सिंह सिकेरा को। बहुत ही शानदार कहानी, आप जरूर देखिएगा, उनकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की है। तो यहां पे जो विक्टिम है पूजा गुप्ता, ठीक है, विक्टिम पूजा गुप्ता, मतलब देखिए इनके ऊपर आरोप यह लगा कि इन्होंने पूजा गुप्ता के ऊपर थूक दिया। आरोप क्या लगा, थूक दिया ही इन्होंने। इनका बोलना था कि भाई देखो, अब जब इन्होंने ये काम किया तो सब लोग अप्लॉज, हंस रहे थे, किसी ने इतना नोटिस ही नहीं किया क्योंकि इस तरीके से था, लेकिन वीडियो में ये कैद हो गया। अभी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो अब यहां पे बोल, इन्होंने फिर तुरंत माफी भी मांगी, इन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक्चुअली शो बहुत लंबे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ह्यूमर का तड़का लगाना होता है, लेकिन अगर कोई भी मेरे मतलब दुखी हुआ है या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। माफी तो हर जगह मांग रही है, लेकिन बेटा ये इतना आसान होगा नहीं। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एपिडेमोलॉजी मैंने बोल दिया था, सॉरी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 IPC सेक्शन 55 कि भाई किसी को डिसऑनर करना या किसी को प्रोवोकेट करने में सेक्शन 355 लगाया जाता है, ये इनके ऊपर लगा दिया गया है। तो काफी बवाल हुआ, विक्टिम पूजा गुप्ता को पता नहीं था, उन्होंने ये किया, जब उनको पता चला तो फिर वो क्रांति दल के पास गई। जावेद हबीब एक जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट है, आपको बता दूं कि 24 घंटे में इन्होंने शायद 450 से ज्यादा हेयर कट्स किए थे, तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इनके पास है ना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और हेयर सैलन है इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भाई ये फ्रेंचाइजी देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जावेद हबीब के, मेरे ख्याल में ये पहले ही थे जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था। मुझे याद है कि 2010 में, मतलब मॉल कल्चर इतना तो था नहीं, बड़े बड़े शहरों में ही होते थे, तो 2010-11 में बड़े बड़े शहरों में, मतलब लखनऊ में भी सहारागंज जो था लखनऊ में, वो पहला मॉल था जो यहाँ पे खुला था, वेव था, एक वेव भी खुला था, लेकिन वो मॉल तो छोटा सा था, लेकिन सहारागंज बहुत बड़ा, उसके बाद फिर काफी मॉल, अब तो बहुत ही मॉल हो गए। तो वहां पे जावेद हबीब का सैलून था, तो हम लोग बोलते थे यार हम लोग तो यार बाहर से 10 रुपए में कटाते हैं, ये तो 100 रुपए लेता है यार, कैसे काटता होगा यार। तो वहां पे कोई बाल कटा के आता था, तो जावेद हबीब से कटा के आया भाई, जावेद हबीब के सैलून से, तो ऐसा होता था। अब तो बहुत कॉमन बात हो गई, अब तो मेरे ख्याल में बाहर भी आप कटाओगे तो भी रेट उतना ही है। तो भैया ये 1968 में पैदा हुए थे, 1960 में, मतलब 58 साल के हैं यार ये, ठीक है। तो ये
मतलब इनके पिताजी भी, इनका जो फैमिली बिजनेस ही हेयर ड्रेसर का था, अब वो वाले हेयर ड्रेसर नहीं, लेकिन ये बड़े जैसे बड़े बड़े लोगों के, इन्होंने प्रेसिडेंट के भी बाल काटे, राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल हेयर ड्रेसर थे, या जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनके भी बाल, भाई वो भी तो बाल बाल काटते हैं ना। तो उसके बाद ये फिर इंग्लैंड भी गए, वहाँ पे भी इन्होंने पढ़ाई की, हेयर ड्रेसिंग की, अलग अलग टेक्निक, मतलब हेयर बाल कैसे काटे जाते हैं, एडवांस टेक्निक सीखी इन्होंने। उसके बाद भारत है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है। इनके 850 से ज़्यादा हेयर सैलून्स हैं 115 शहरों में, तो काफ़ी ज़्यादा आप समझिए कि इनके पास मतलब एक्सपीरियंस है। तो जावेद हबीब को आपने देखा ही होगा, एड भी इनके आते रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, JNU से इन्होंने पढ़ाई की है। एक अजीब बात बताता हूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा भाई मुस्लिम है मुस्लिम है, 2019 में इन्होंने बीजेपी, ये बीजेपी मेंबर है, 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो ये बीजेपी मेंबर है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब आप ये देखिए, ये वीडियो है, ये है पूजा गुप्ता, ये आप देख सकते हैं सबके सब है, ये जावेद हबीब, ठीक है। अब यहां पे आप देखिएगा, ये देखिए, देखा आपने एकदम, फिर से आप पीछे करके जिस जो मिस कर गए हो वो आप देख लीजिएगा। आप देखा, इसके बाद सब हंसने भी लगे, मतलब ये आए इन्होंने ये किया, ठीक है, और इसके बाद आपने देखा कि मतलब सब अप्लॉज कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं पानी की कमी है, यहां पे इन्होंने अभी बोले, अभी देखिए जब इन्होंने थूका तो ये बोलेंगे पानी की कमी है, शायद ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा तेज कर देना चाहिए था तो आपको सुनाई दे जाता, ये देखिए। उसके बाद ये बोल रहे पानी की कमी, तो सबने अप्लॉज किया है ना, तो पानी की वजह से कमाल है, थूक कौन देता है, ये तो पहली बार मैंने सोचा कि पानी की कमी थूक दो, कमाल ही है यार, पानी की कमी है थूक दो, सूसू कर दो, वाह क्या बात है, वही है ना कि नदी सूख गई है और हमने भर दी, कमाल ही है यार, अजीब गरीब। तो उसके बाद फिर जो वीडियो है वो वायरल हुआ हर जगह, भाई यही वीडियो चलने लगा। तो जो वुमेन है भाई, इनको जब पता चला और ये बताया कि भाई इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, किसी का भी बैड एक्सपीरियंस होगा यार, कोई और तो लड़ाई हो जाती है ना, मारपीट हो जाती है, तो किसी का भी बैड एक्सपीरियंस होगा। और ये इन्होंने बताया कि भाई देखो मेरा नाम है पूजा गुप्ता और मैं पार्लर चलाती हूँ जिसका नाम है वंशिका ब्यूटी पार्लर, और मैं बरौत की रहने वाली हूँ। कल मैंने, मतलब ये मुझे पता नहीं एक्चुअली हुआ कब था, पिछले हफ्ते की बात है ये, तो यहाँ पे मैंने वर्कशॉप अटेंड की जावेद हबीब की, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था स्टेज पे, वो मेरा हेयर कट, मुझे हेयर कट देने वाले थे, और वहां पे उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, वही थूका। उन्होंने बोला कि भाई देखो कोई पानी नहीं है, सो यू कैन स्पिट, इफ देयर इज नो वाटर यू कैन स्पिट, वाह क्या सीन है, इट वुड बी बेटर इफ आई हैड गॉन टू माई स्ट्रीट साइड। भाई देखो मुझे तो बेस्ट ये लगता है, गली में सबसे बढ़िया लगता है मुझे तो, गली का खाना हो चाहे बाल काटना हो मस्त है, तो वहां पे मैं एक हेयर कट करवा लेती रैदर दैन गोइंग टू हबीब, जावेद हबीब से अच्छा है कि मैं जो होती है ना दुकानें वहां पे चली जाती हूँ, वहां पे हेयर कट ले लेती। तो अब उसके बाद फिर ये बवाल हुआ, FIR इनके ऊपर दर्ज हुई, सेक्शन 355 लगा, मूड खराब पूरे देश में कि गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो इनको। फिर उसके बाद इन्होंने तुरंत माफी मांगी, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी से होना ही नहीं था। तो जावेद हबीब को फिर NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बुलाया जब वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद इन्होंने कल ही बुलाया था इन्होंने, और इन्होंने फाइनली माफी मांगी, और इन्होंने यही बोला कि भाई देखो ये दोबारा नहीं होगा। जावेद हबीब ने रिटर्न अपोलॉजी दी है, ठीक है, रिटर्न में माफी मांगी है कि भाई देखो किसी को ये डिसरेस्पेक्ट करना नहीं चाहते थे, और मैं ये एश्योर करता हूं कि इस तरीके की चीजें जो है वो दोबारा नहीं होंगी, कल बुलाया था इनको। तो NCW जो है वो अब इनको दोबारा बुलाएंगे नहीं, भाई देखो माफी की बात थी, माफी मांग ली है, लेकिन इनके ऊपर FIR है अभी, मतलब ये मामला ये अभी ये, क्योंकि ये क्रांति दल के पास गई थी जो पूजा गुप्ता है, और उन्होंने बोला कि इनकी तो हम बकिया उधेड़ देंगे, तो ये इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। अब NCW ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ऑफ उत्तर प्रदेश को ऑलरेडी लिख दिया है कि भाई एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, तो पुलिस प्रोसीडिंग्स है दैट विल कंटिन्यू। ये है आपका एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 में आया था, इसको अभी लगाया गया था ना कोविड में, तो आप ये देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टोरी तो ठीक है, आप ये कोट कर सकते हो कि ये लगाया गया था, हालांकि सवाल इसी से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे आजकल, तो जैसे UPSC वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये गजब का सवाल पूछ लिया था भैया,
जीएस पेपर टू में पिछले साल कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये जो पोजीशन है स्पीकर की ये बेसिकली न्यूजीलैंड का कथन है ना। तो इस तरीके की जो वहां पे ये चलता है कि वो भारत में भी लागू होना चाहिए, क्या भारत भी इंग्लैंड वाले मॉडल को क्या कहते हैं कि अडॉप्ट करे स्पीकर की अगर बात करें, तो आजकल तो यूपीएससी में थोड़े अतरंगी टाइप के सवाल आने लगे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस, जैसे आपका कोविड हो गया, ठीक है, कोविड इट्स अ पैंडेमिक, तो इसीलिए भाई प्रिवेंट ना हो ये एक्ट लगाया जाता है। और यहां पे पूरी की पूरी पावर है, जैसे जब अभी लॉकडाउन लगाया गया था ना, तो यही इसी के तहत कार्रवाई की जाती थी कि कोई भी एपिडेमिक, टू प्रिवेंट एनी एपिडेमिक और स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक इन स्टेट्स और कंट्री, यहां पे पूरी पावर होती है अथॉरिटीज को। पुलिस ने मस्त डंडे चलाए थे, देखा था, पुलिस के ऊपर बहुत आरोप लगे कि भाई बेचारा वो जा रहा है कहीं पे, मतलब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, दिखा रहे सर्टिफिकेट है मेरे पास, तब भी पुलिस ने अरे ऐसे कैसे, अच्छे भी काम किए थे पुलिस ने, मतलब दोनों ही चीज चलती रहती है। साथ ही साथ स्टेट्स में ऑथराइज एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एजेंसी टू टेक सच मेजर्स इन द स्टेट फील दैट पब्लिक एट लार्ज इज थ्रेटन्ड विद एन आउटब्रेक ऑफ एनी डेंजरस एपिडेमिक। तो वही है कि स्टेट के पास पूरी यहां पे ताकत होती है, क्योंकि पुलिस, ये जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, पुलिस स्टेट के अंडर आती है, तो पुलिस जो है वो यहाँ पे, मतलब स्टेट जो है किसी भी ऑफिसर को यहाँ पे लगा सकती है और कार्रवाई कर सकती है। अब कोई भी इंसान अगर डिसओबे करता है तो समझिए उसको भी सजा दी जाती है आईपीसी के तहत। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी बवाल हो गया, मैंने सोचा ये नहीं करूंगा, लेकिन फिर ठीक है, एक्ट की जहां पे बात आ गई, बवाल मतलब थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इसको कर ही देते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।